ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين कहने लगे ऐ अजीज मिस्र इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं आप एक काम कीजिए आप हम में से किसी शख्स को उसी जगह पर रोक लीजिए हम आपको मुहसिन समझते हैं मुहसिन देख रहे हैं आप अच्छे आदमी हैं रख लीजिए हम में से किसी शख्स को इसको छोड़ दीजिए तो सलात ने कहा अल्लाह की पना ये कैसे मुमकिन है जुर्म कोई करे मुजरिम कोई हो और मैं उसकी जगह गैर मुजरिम को रख लूं और मुजरिम को छोड़ दूं ऐसा नहीं हो सकता खैर जब उन्होंने बहुत सारी मन्नत समाजत की तो कोई फायदा नजर नहीं आया मायूस हो गए वो लोग और फिर वापस फिर कनान अपने वाले साहब के पास पहुंचे अब वाले साहब से क्या बोल रहे हैं कह रहे हैं वाले साहब आपके बेटे बिनियामीन ने चोरी की है और हमें जैसा बताया गया है हम वैसा ही कहते हैं और हमें इसका यानी गैब का इल्म नहीं है और ना ही हम उसको देख रहे हैं और गैब पर ना ही हम निगरान हैं इधर इनके कनान आने से पहले जब ये लोग कनान वापस हो रहे थे मिस्र से तो जो सबसे बड़ा भाई इनका था उसने क्या कहा क्या तुम्हें इल्म नहीं है क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे वाल साहब ने तुमसे क्या क्या पैमान लिया है मैं नहीं छोड़ूंगा मिस्र मैं नहीं जाऊंगा मैं मिस्री में रहूंगा तुम जाओ यहां तक के मेरे वाल साहब मेरे लिए इजाजत दे दें या अल्लाह रबालमीन मेरे हक में कोई बेहतर फैसला फरमा दे ये वही बड़ा भाई है जिसके दिल में रहम था और अच्छा शख्स था ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में जो दस भाई थे दूसरी माँ से उन दस भाइयों में सबसे नर्म दिल शख्स ये बड़ा भाई था जिसका नाम शम था या फिर यहूजा था या फिर रूबील था वो अल्लाह आलम ये रुका रहा इसको शर्म आई कि एक मरतबा वैसे ही वाले साहब को हमने धोखा दिया है अब फिर हम जो हैं उन्हें धोखे में डालें परेशान करें वैसे ही वो परेशान हैं बूढ़े हैं ये नहीं गया ये रुका रहा ये मिस्र के अंदर ये लोग पहुंचे कनान में और सब माजरा बयान किया कि आपके बेटे बिनियामीन ने चोरी की है और उस चोरी के जुर्म में बादशाह ने अजीज मिस्र ने उनको रोक लिया है हजरत याकूब बड़े मायूस हो गए इन लोगों से लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए साहब सब्र करते रहे वायना उनकी आंखें सफेद हो गई बहुत बड़ा हजन बहुत बड़ा गम दिया उनके बेटों ने उन्हें कि अपने उस जिगर के टुकड़े को उन्होंने खोया कि जिससे बेहद वो मोहब्बत करते थे जो मासूम था जो आगे चलकर के नबी बनने वाला था जो खूबसूरत था व जमाल का पैकर था सीरत में सूरत में हर एतबार से बेहतर था अलैहिस्सलाम को पहले खो चुके हैं अब फिर उन्होंने अपने दूसरे जिगर के टुकड़े बिन्यामीन को खो दिया क्या गुजरी होगी ऐसे वालिद पर आप अंदाजा लगाइए इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि हमारे माशरे में अगर किसी शख्स का कोई छोटा बेटा गुम हो जाए या उसकी बेटी गुम हो जाए और वो सुरे से नापैद हो जाए उसका पता ना लग पाए कोई भी ऐसा पता ना चले तो क्या गुजरेगी माँ के दिल पर और बाप के दिल पर लाहौू अकबर नबी तो और ज्यादा रहीम होता है शफीक होता है मेहरबान होता है अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशों में मेरे भाइयों इन नबियों को डाला लेकिन ये अंबिया ये रसुल अपने इम्तिहान में अपनी आजमाइशों में डटे रहे सब्र किया ईमान की मोहब्बत ईमान की बशाशत, जो इनके दिलों में सरायत कर चुकी थी किस तरह से उन्होंने खुद को अल्लाह के इम्तिहान में पास किया याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़नी इलाल्लाह मैं अपने गम की मैं अपने हुज़न की अल्लाह से शिकायत करता हूं आहा शिकवा अल्लाह से मखलूक से नहीं और शिकवा किया तो उस गम का जिसको वो पिए हुए थे अंदर और उस गम का जो जाहिरी तौर पर उनकी आंखों से झलक रहा था वह अब यज्जत आए ना आंखें सफेद हो गई अल्लाह ने बीनाए छीन ली इस कदर अपने लाल अपने जिगर के टुकड़े की मोहब्बत में याकूब अलह सलात रातों दिन रोते लेकिन उसके बावजूद भी सब्र किया अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए क्या कहते हैं या बनिया इबू मेरे बच्चों जाओ या बनी या कहा देखिए फिर भी इतने सारे मामले बेटों ने खड़े किए परेशान किया लेकिन उसके बावजूद भी कितना प्यारा उसलूब है एक नबी का अलैहिस्सलाम तो सलाम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये भी कह सकते थे या औलादी या अबनाई भी कह सकते थे लेकिन क्या कहा या बनी या मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ उन्होंने किया क्या कुछ नहीं किया बेटों ने इस कदर गंदिया इतना बड़ा गंदिया इतनी बड़ी मुसीबत में डाला लेकिन फिर भी क्या कहते हैं इधहबू जाओ और मेरे दोनों बच्चों को तलाशो शायद कोई सुराग मिले शायद उनका पता चले फतेह ससु कुरान ने तहस्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है अरबी में तजस और तहस्स के दरमियान अहले इलम फर्क करते हैं तजस्स कहा जाता है शर को तलब करना बुराई की जासूसी करना और तहसूस कहा जाता है खैर को तलब करना खैर को तलाशना तो याकूब तो तो का अल्लाह पे इतना ज्यादा यकीन था कि वहां पर भी वो कह रहे हैं मेरे बच्चों जाओ अल्लाह की रहमत से काफिर लोग मायूस होते हैं तुम जाओ तो जाके तलाशो तो खैर ये भाई फिर से अपने वाल साहब को बुरा भला जो उनकी आदत थी पहले से कहते हुए चलते बने मिस्र पहुंचे और उस वक्त जब देखा अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुर्सी पर बैठे हुए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब उस बात को जाहिर किया जिस बात का जाहिर करने का वक्त अब आ चुका था कहा जानते हो जो कुछ तुमने अपने भाई यूसुफ और यूसुफ के भाई बिन्यामीन के साथ किया बड़े प्यारे अंदाज में डायरेक्ट नहीं कहा तुमने मेरे ऊपर ऐसा किया यह जुर्म किया कुएं में डाला मेरे बाप को मुझसे जुदा किया नहीं तरीका देखे, देखे पुरान का। कहा, तुम्हें याद है जो कुछ तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया है कहने लगे आप ही यूसुफ हैं कहा मैं यूसुफ हूं वहा यह मेरा भाई है अल्लाह क्या उसलूब है? है क्या सीखने को मिला हमें क्या दर्श मिला क्या सबक मिला क्या नसीहत मिली दर्श ये मिला कि कितने भी फैमिली मैटर्स हों हमारे घर के अंदर कितना ही हम परेशान हो जाएं, मुसीबतों में तकलीफों में घिर जाएं, उस वक्त तक हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए उसकी रहमत बहुत वसी है एक दूसरा दर्स कि जब अगर आपको किसी ने गाली दी किसी को तकलीफ पहुंचाई तो अपने उस को चेंज मत कीजिए अपनी मर्यादा को मत कीजिए आप जिस तरह पहले गुफ्तू कर रहे थे इज्जत के साथ वही अब भी कीजिए मिसाल के तौर पर हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अगर किसी शख्स कोई को गाली दे दे तो पहले तो वो आप, आप, आप करके गुफ्तू करता है और जैसे ही अगर वो गाली देता है तो क्या तू तेरी ऐसी तेरी वैसी कर दूंगा फौरन मतलब तू तड़ाक तो तौ पर हम उतर जाते हैं जबकि याकू असलाम को देखो क्या कहा या बनी या मेरे प्यारे बच्चों तो गुफतु के अंदाज को और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी वही बात कही कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया तुम कुछ याद है इसी तरह एक दर्स ये भी मिलता है यह नसीहत मिलती है कि अगर किसी ने आपको परेशान किया है किसी वक्त में पिछले दौर में पिछले ज़माने में पिछले वक्त में गुज़िश्ता सालों में तो आप उसको उस जुर्म को याद करके शर्मिंदा मत कीजिए बहुत प्यारा स्लूब है कुरान का जो उसने हमें सिखलाया है बताया है खैर उसके बाद भाइयों को शर्मिंदगी हुई और कहने लगे हाँ यूसुफ अल्लाह ने आपको हम पर फौकियत अता की है एतराफ किया क्या जवाब है हज़रत यूसुफ़ का उस मौके पर कहा ला तफरी जाओ तुम पर कोई आर नहीं तुम आजाद हो अल्लाह तुम पे रहम फरमाए वो बहुत ज्यादा रहमो कर्म का मामला करने वाला है अल्लाह कितना अजीम रसूल है कितना बड़ा पैगंबर है अल्लाह का कितना बरतरी फजीलत और फौकियत वाला पैगंबर है हजरत यूसुफ़ इतना सब झेलने के बावजूद भी उन्होंने अपने भाइयों को माफ कर दिया क्या दर्श है दर्श यह है मुसीबतें पहुंचे तकलीफें पहुंचे जख्म आपके दिल पर लगा हो उसको भरने का एक ही तरीका है कि आप उसको माफ कर दीजिए इसलिए कुरान ने तीन चीजें खास तौर पे बतौर जमाल के इस्तेमाल किए अल्लाह ने कहा फसबिर सबरन जमीला खूबसूरत सब्र कीजिए वह हजुर हजरन जमीला खूबसूरत तरीके से छोड़ दीजिए और आगे क्या फरमाया फसफ फस हल जमील और खूबसूरत तरीके से माफ कर दीजिए भुला दीजिए जो कुछ उन्होंने किया कितने लोग हम में से जो ऐसा कर सकते हैं और इस पर कादिर हैं जरा गौर कीजिए और सोचिए मेरे भाइयों हजरत यूसुफसलातूसलाम ने कहा कि जाओ खमीस ये कुर्ता जाकर के मेरे वाल साहब तक पहुंचा दो और हां वालदेन को और जितने भी तुम्हारे आयाल हैं उन सब को मिस्र के अंदर लेकर के आओ हजरत याकूब याकूबलातलाम के पास मिस्र से कनान की तरफ ये लोग रवाना हुए अभी रास्ते में है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कमीज की खुशबू पा लेते हैं ये मोजा है अल्लाह रब्बुल ला आलमीन की तरफ से क्या कहते हैं इन्नी अजूरी है यूसुफ मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूं कितनी मोहब्बत है कि खुशबू तक को पहचानते हैं अपने बेटे की अल्लाह अकबर और घर वाले क्या कह रहे हैं क्या दीवाना पन वाली आप बातें कर रहे हैं कैसी आप अजीब सी बातें कर रहे हैं कि यूसुफ के कुर्ते की खुशबू आप सूंघ रहे हैं घर वालों ने बुरा वाला कहा लेकिन हजरत याकूब अल सलात को अल्लाह पर कामिल यकीन था ईमान था था भरोसा था और वो सच बोल रहे थे वो इलम वाले थे जानने वाले थे खैर जब ये लोग पहुंचे कुर्ता तो ले करके और हजरत याकूब सलातलाम के हाथ में वो कुर्ता दिया और उन्होंने उसको अपनी आंखों पर लगाया तो अल्लाह रब्बुल रब्बीन ने जो बीनाई छीन ली थी इनकी अब वो वापस कर दी क्या मालूम हुआ कि वो आदमी वो औरत जो अल्लाह पर कामिल यकीन रख ले सारे के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाए खैर के सब शर के दरवाजे उसके लिए खुल जाए लेकिन अगर वो कामिल यकीन रख लेता है अल्लाह रब्बालमीन पर उस पर तबक्ल कर लेता है

हजरत मूसा सलाम का किस कदर कामिल ईमान है यकीन है अल्लाह रब्लम पर इन्ना इन सयाहदी मेरा रब मेरे साथ है वो रहनुमाई करेगा और रास्ता बनता चला गया ये है ईमान ये है यकीन अल्लाह सुबहाना तै की पर मेरे भाइयों इसलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हुआ करें कभी भी अल्लाह रबालमीन की रहमत से एराज ना करें अल्लाह पर हमेशा कामिल यकीन रखें जिस तरह याकूब सलाम ने रखा और नतीजा यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल ने उनको बीनाई भी अता कर दी बच्चे भी अता कर दिए दोनों उनके जिगर के टुकड़े यूसुफ और बिन्यामीन भी अता कर दिए और मजीद उनको अपनी रहमत से दुनिया में भी नवाजा और आखिरत में भी नवाजने वाला है बिनाई लौटी ये सब भाई मिस्र की तरफ रवाना हुए हजरत यूसुफ सलातलाम ने अपने वालदेन को अर्श पर बुलाया जो तख्त था उस पर बुलाया बुलायाश अर्श पर बिठाया तख्त पर बिठाया हमने जिक्र किया था कि यूसुफ असलातलाम की वालिदा माजिदा राहील का इंतकाल पहले हो गया था जो उनकी हकीकी मां थी ये उनकी सौतेली मां थी लेकिन मां मां है क्योंकि उनके बाप के आकद में है इसलिए उस पर भी मां का इतलाक किया जाएगा तो अपने वाले को आर्श पर तख्त पर बुलंद किया बिठाया और जितने भी भाई थे ग्यारह भाई उन सब ने हजरत अलैहिस्सलाम को सजदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से और ये वही पहला ख्वाब था जो बचपन में दस साल की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था और इसकी भी ताबीर हकीकत में रूनमा हुई वाजे हुई और अल्लाह रब्बीन ने यूसुफ को मकामबा अता किया और उसी की तरफ इशारा किया है नक्शा खींचा है अल्लाह रब्बुलमी ने फरमाया उसका मफहूम यह है कि अल्लाह रब्बुल ने मुझे खाब की ताबीर का इलम अता किया नजर शैतानी मेरे दरमियान और मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने वसवसा डाल दिया था फूट डाल दी थी हमें अलग कर दिया था बड़ी प्यारी इबारत है बहुत जबरदस्त इल्मी फायदा नुकता है नजग शैतानु बैनी व बई ना कहा यह नहीं कहा नजग शैतानु बई इख्वती व बैनी बहुत जबरदस्त इस्तलाल किया है मुफसरीन ने कि शैतान ने मेरे दरमियान पहले अपने नफ्स का जिक्र किया क्या मालूम हुआ कि कोई भी इंसान शैतान के वसवसे पाक नहीं है इल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको महफूज करे और ये तवाजो की तरफ इशारा है खाकसारी इंकिसारी और आजजी की तरफ इशारा है हजरत यूसुफ नबी आसलात व का कि उन्होंने पहले खुद का जिक्र किया कि शैतान ने मेरे दरमियान हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो तो ने तो कोई जुर्म नहीं किया था लेकिन कहा कि मेरे दरमियान और मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने यह वसवसा डाला था क्या मालूम हुआ कि इंसान को अल्लाह ने अगर किसी नेमत से नवाजा है तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करे दूसरी बात तो खासारी इंकसारी आजजी को हमेशा अपनाए जो शख्स मुतवाजे होता है अल्लाह उसको बुलंद करता है उसको रिफात बुलंदी से सरफराज फरमाता है यह क़ायदे कुल्लिया है इस कायनात का इस रूए जमीन का उसके बाद हजरत यूसुफ असलातम ने अपने तमाम भाइयों को मिस्र में बसाया और वहीं से यह बनी इसराइल नामी कौम वजूद में आई चूंकि इसराइल अल्लात वसलाम इस जो याकूब का लकब था उनके सारे बेटे थे और इन्हीं से बाद में एक नस्ल चली जिसको बनी इसराइल कहा जाता है और रब्बुल आलमीन ने उनके दरमियान अंबिया व रसुल मबूत फरमाए मेरे भाईओ आखिर में एक अहम बात की तरफ इशारा करना ज़रूरी है अल्लाह ने आखिर में इस सूरत के अंदर यानी सूर यूसुफ के अंदर एक बात जिक्र की है और इस किस्से में बड़ी जबरदस्त बात है वो ये कि अक्सर बेशर लोग अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद भी मुशरक हैं यहां शिरक से मुराद कौन सी चीज है यहां मुराद शिर असगर है क्योंकि शिरके अकबर और ईमान इकट्ठा नहीं हो सकते ला या जितना मैं अशिरक उल अकबर उल ईमान फीश इन वाहदा है शिरके असगर मिसाल के तौर पर गैरुल्लाह की कसम खाना मिसाल के तौर पर तावीज लटकाना वगैरह वगैरह ये सब चीजें ईमान के साथ इकट्ठा हो सकती हैं मालूम क्या हुआ कि वह लोग जो ये कहते हैं कि ईमान अगर किसी शख्स के अंदर मौजूद है तो वह मुशरिक नहीं है लेकिन कुरान ये कहता है कि ईमान अगर किसी के अंदर है भी फिर भी उसके यहाँ शिरक असर छोटा शिरक पाया जा सकता है और ऐसा हमारे माशरे में बहुत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में फरमाया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बेहतरीन किस्से हैं जिसको हम आप पर बयान कर रहे हैं क्यों ताकि अकलमंद जिनके पास अकल है जिनके पास लुब्ब है दिमाग है वो इबरत हासिल करें पूरे किस्से में सबसे बड़ी जो इबरतें नसीहतें फवायद और दुरुस और असबाक जो हमें मिले हैं वो ये सबसे पहली चीज कि जिसके पास जितनी नेमत होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उतना ही ज्यादा आजमाता है एक चीज दूसरी बात सब्र का दामन कभी भी ना छोड़ें हमेशा सब्र करते रहें अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको किसी मुसीबत तकलीफ में डाल करके आजमाया है तो उस पर सब्र करें और अल्लाह ने अगर आपको नेमत अदा की है कोई बेहतर नेमत हो जैसी भी नेमत हो बड़ी नेमत हो छोटी नेमत हो तो उस पर अल्लाह आलमीन का शुक्र अदा करते रहें इसी तरह इल्म की बहुत बड़ी फजीलत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब की ताबीर का इल्म इल्मा किया जिसकी वजह से अल्लाह व तआला सब तैद खाने से निकाला जिंदान से निकाला और उनको एक अजीम मकाम व मरतबा अता किया इसी तरह एक फायदा यह भी हमें मिलता है कि अगर कोई शख्स जिम्मेदार बनना चाहता है और वो समझता है कि वो काबिलियत रखता है महारत रखता है तो उसके लिए जायज़ है बशर्ते है कि उसको महारत हो और काबिलियत हो और बेहतर तरीके से जिम्मेदारी को निभा सकता है तो वो जिम्मेदारी का मुतालबा कर सकता है ऐसा करना उसके लिए जायज़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं आलमीन जो भी क़स्से यूसुफ के अंदर बयान किया गया अल्लाह आलमीन जो भी इल्मी फवाइद हैं जो भी दुरुस्त अस्बाक नसीहतें और इबरतें इस किस्से से हमें मिलती हैं उन तमाम को समझने और अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन व अनिल आखिरदावाना रब्बिल आलमीन नाजरीन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही अल्लाह तआला के यहाँ आप अजर और सवाब के मुस्तक बने सलामकम वरहल वरक ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें